युद्ध संख्या से नहीं, साहस, बलिदान और मातृभूमि पर मर मिटने के जज्बात से जीते जाते हैं। इतिहास में ऐसी वीर गाथाओं की कोई कमी नहीं, जब चंद वीर जवान अपनी आन बान शान पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दुश्मन के इरादों को विफल करने में सफल हुए हैं। ऐसी ही एक शौर्य गाथा लिखी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी ने पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को परास्त कर भारत के कच्छ प्रांत पर कब्जा करना पाकिस्तानी सेना का एक ऐसा ख्वाब था जिसे वो हर हाल में पूरा करने को बेताब थी। मगर सरहद के इस पार स्थित CRPF की सरदार पोस्ट उसके मंसूबों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। 9 अप्रैल 1965 सुबह करीब 3:30 बजे, अभी सुबह का उजाला फैला भी न था कि सरदार पोस्ट का आसमान दबे पांव आगे बढ़ती पाकिस्तानी सेना की एक पूरी ब्रिगेड के कदमों से उड़ी धूल से ढक गया। भनक पड़ते ही गश्त पर निकली द्वितीय बटालियन के जवानों की टुकड़ी और पोस्ट पर तैनात जवान सतर्क हो गए। हमले का फौरन जवाब दिया गया और आगे बढ़ती पाकिस्तानी फौज के पांव वहीं थम गए। भारी गोलाबारी के बीच जवानों ने अपनी जान पर खेलकर मोर्टार फायर से दुश्मन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उड़ा दिया। घटती एमिनेशन और अपने से संख्या में बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ते देख एक रणनीति के तहत सरदार पोस्ट से फायर रोक दिया गया। दुश्मन ये सोचकर आगे बढ़ता रहा कि उसकी फायरिंग से सरदार पोस्ट पर मौजूद सभी लोग या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। मगर पाकिस्तानी सेना के नजदीक आते ही सरदार पोस्ट से फायर खोल दिया गया। योजना कामयाब रही और इस अचानक हमले से पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ गए। बहादुरी से लड़ते हुए सरदार पोस्ट के जवान न केवल क्रॉस फायरिंग में फंसी अपनी रात्रि गश्त पार्टी को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे, बल्कि पोस्ट पर खत्म हो रहे एम्युनिशन के बावजूद पाकिस्तानी फौज को तब तक रोकने में कामयाब रहे जब तक कि टाक पोस्ट से और एम्युनिशन और मदद नहीं आ गई। बेहद मुश्किल स्थितियों से लड़ते हुए द्वितीय बटालियन के जवान पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को शाम 5 बजे तक पूरे 15 घंटे तब तक रोके रहे जब तक भारतीय सेना की टुकड़ियां वहां नहीं पहुंच गई। पीछे लौटती हुई पाकिस्तानी सेना अपने पीछे 2 अधिकारियों सहित 34 सैनिकों के शव छोड़ गई और 4 सैनिकों को जीवित पकड़ लिया गया। इस अभूतपूर्व युद्ध में कांस्टेबल शमशेर सिंह, नायक किशोर सिंह, कांस्टेबल ज्ञान सिंह, लांस नायक गणपत राम, कांस्टेबल हरी राम और कांस्टेबल सिंधवीर प्रधान ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये एक असमान युद्ध था जिसमें नियमित सेना के करीब 3,500 सैनिकों का मुकाबला एक अर्ध सैनिक बल की 2 कंपनियों के जवान कर रहे थे। उन्होंने न केवल वीरता के साथ ये मुकाबला किया बल्कि पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर उसे पीछे लौटने को मजबूर कर दिया। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि ये युद्ध सिर्फ भारतीय पुलिस के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के सैनिक युद्धों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। देश ने सरदार पोस्ट की उस मिट्टी को नमन किया जहां CRPF के जवानों ने एक अद्वितीय शौर्य गाथा को जन्म दिया था। ये पहला मौका नहीं था जब CRPF के जवानों ने अपनी बहादुरी और जांबाजी का परिचय दिया हो। इससे पहले चीनी सीमा से सटे हॉट स्प्रिंग्स में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ लड़ते हुए CRPF के 10 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर अपना नाम शौर्य वीरता के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। हॉट स्प्रिंग्स में इन शहीदों की स्मृति में स्थापित स्मारक पर खुदे शब्द When you go home, tell them of us, for their tomorrow, we gave up our today. हर पुलिस अधिकारी के लिए कर्तव्य पर मर मिटने का संदेश है। इन वीरों की शहादत को पूरे देश के पुलिस बल हर साल पुलिस स्मारक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोनों घटनाएं CRPF के इतिहास में वो मील के पत्थर साबित हुई जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करती रही हैं। उत्तर पूर्व में भड़की विद्रोह की आग, आतंकवाद की आग में झुलसते पंजाब के खेत और खलिहान, धरती के स्वर्ग कश्मीर की खुशनुमा वादियों में गूंजती गोलियों की आवाज और बम धमाकों को CRPF के जवानों ने अपने सीने पर झेलकर दुश्मनों के इरादों को ध्वस्त कर अपने इसी शौर्य और संकल्प को दोहराया है। और आज अपने अन्य सहयोगी बलों के साथ
नक्सल प्रभावित इलाकों में भी उसी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए दुर्दांत नक्सली किशन जी एवं अन्य नक्सलवादियों का सफाया किया है। यही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव का निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक समापन, प्राकृतिक आपदाओं का दृढ़ संकल्प एवं प्रतिबद्धता के साथ मुकाबला तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियान के तहत जाने वाले फॉरेन मिशन में भी बल ने कर्तव्य परायणता एवं कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की अमिट पहचान बनाई है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुए हमले को विफल करना, अयोध्या परिसर पर हमले के आतंकवादियों के मंसूबों को ध्वस्त करना और संसद पर हुए हमले को एक अडिग चट्टान की तरह विफल कर देना साबित करता है कि देशभक्ति के जिस जज्बे ने एक पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को खदेड़ दिया था, वो जज्बा अनुभव कौशल और समय की कसौटी पर तपकर और प्रखर हो उठा है। एक जॉर्ज क्रॉस, एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र, एक वीर चक्र, 12 शौर्य चक्र, एक पद्मश्री, 3 किंग्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 49 शौर्य वीरता के लिए पुलिस एवं फायर सर्विस मेडल, 184 राष्ट्रपति के शौर्य वीरता के पुलिस पदक, 958 शौर्य वीरता के पुलिस पदक, 4 विशिष्ट सेवा मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल, 5 सेना मेडल, 90 प्रधानमंत्री के जीवन रक्षा पदक और 5 IPMG पदकों की यह श्रृंखला सरदार पोस्ट में रची गई परंपरा के ही प्रवाह का निर्वाह है। ये देश की प्रतिष्ठा के प्रति हमारी निष्ठा और उसकी अखंडता की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता और अपने प्राणों पर खेल जाने का संकल्प भी है।